हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप शरीर की गंदगी को किस प्रकार साफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग चाहे खाने की चीज़ों को कितना भी पानी से धो लें, लेकिन सब्जियों और फलों में जहरीले तत्व फिर भी मौजूद रहते हैं। दूध से लेकर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की जाती है। इसके अलावा फलों और सब्जियों की खेती में जहरीले रासायनिक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पोल्यूशन और तंबाकू उत्पाद भी हमारे शहर में जहरीले तत्व भर देते हैं। ऐसे में हमारे शरीर के अंदर इतनी मात्रा में विषैले पदार्थ जमा हो चुके हैं जो आपको कभी भी बीमार बना सकते हैं। इन बीमारियों से बचने का एक सीधा और सरल उपाय है शरीर को डिटॉक्स यानी जहरीले पदार्थों से मुक्त करना। हालांकि डॉक्टरी प्रक्रिया में दवाओं का सहारा लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुदरती ऐसे गुण हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर से सारे जहरीले पदार्थ बाहर कर देते हैं। गर्मी का मौसम इस प्रक्रिया के लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इस मौसम में शरीर तेजी से डिटॉक्स होता है और आपको इससे ज़्यादा फायदा मिलता है। हालांकि शरीर को डिटॉक्स करते समय काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ती है, क्योंकि इससे अधिक भूख लगने और खाना पचने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप प्राकृतिक तरीके से शरीर को डिटॉक्स करके अपच और पेट फूलना और तनाव जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपाय है जो आपके शरीर की गंदगी को निकाल देंगे। पहला तरीका है हल्दी। शरीर से जहरीले पदार्थ निकालने के लिए सबसे बढ़िया और आसान तरीका है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी हर भारतीय रसोई में मिलती है, इसलिए आपको मार्केट में हाथ पांव मारने की भी जरूरत नहीं है। एक गिलास सादा पानी ले और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर उबाल लें। इसके बाद इसमें शहद और नींबू की कुछ बूंदें डालकर इसे पी लें। 10-15 दिन लगातार इसका इस्तेमाल करने से आपको फ़र्क अपने आप महसूस होने लग जाएगा और इससे आपका खून भी साफ रहेगा। फ्रेंड्स, यह बहुत ही अच्छा उपाय है, एक बार इस उपाय को करके ज़रूर देखना। दूसरा उपाय है नींबू की चाय। नींबू की चाय यानी लेमन टी वैसे तो कई लोगों को पसंद है, लेकिन इसका लगातार इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। यह आपके शरीर की गंदगी को निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आप इसको दिन में 3 बार पिएं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नींबू में मौजूद विटामिन सी लीवर में मौजूद जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, इसलिए आप इस चाय का इस्तेमाल दिन में 3 बार करें। तीसरा उपाय है धनिया और खीरा। गर्मियों का मौसम है तो ऐसे में धनिया और खीरा आसानी से मिल जाता है। भरपूर मात्रा में धनिया और खीरे का सेवन भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसके अलावा गर्मियों में इसका सेवन शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है, इसलिए आप गर्मियों में खीरा ज़्यादा खाएँ। अगला उपाय है लहसुन का सेवन। एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर लहसुन का सेवन शरीर के प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्स करता है, इसलिए अपनी डाइट में लहसुन को जरूर शामिल करें। हो सके तो रोज़ सुबह खाली पेट लहसुन की 1-2 कली खाने की आदत बना लें। कुछ दिनों में ही आपको फ़र्क महसूस होने लग जाएगा कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। अगला उपाय है ग्रीन टी। ग्रीन टी के फ़ायदे इतने हैं कि उन्हें बताना भी मुश्किल है। ग्रीन टी का रोज़ाना इस्तेमाल न सिर्फ आपका वज़न कम करने में मदद करता है, बल्कि शरीर में जमा जहरीले पदार्थों को भी निकाल कर बाहर करता है। इसके अलावा ग्रीन टी खून साफ करने में भी मदद करता है और यह आपके लीवर में होने वाली बीमारियों से भी बचाता है, इसलिए आप ग्रीन टी का डेली इस्तेमाल करें। यह आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने यह थे कुछ ऐसे बेहतरीन उपाय जिसके इस्तेमाल से आप अपने शरीर की में जमी गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।